अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका अज़ीज़ हकीम नदीम रज़ा नाज़रीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बख़ैर व आफियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से खूब खूब कामयाबी और कामरानी हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों की डिमांड पर आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आजकल जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है शरीर में, पैर का होना, दर्द का होना, कभी लांगड़ी का दर्द होता है तो शरीर के अंदर, कभी घुटनों में कैल्शियम की कमी होने की बिना पर दर्द होता है। तरह तरह के शारीरिक दर्द को आज दूर करने के लिए नदीम रज़ा ऐसा फार्मूला आपको जिक्र करने वाला है जो ओनली आपको महीना डेढ़ महीना इस्तेमाल करके आप अपने दर्दों की तकालीफ को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब ये दर्द चाहे बचपने में हो, चाहे ये दर्द आपके जवानी में हो, चाहे ये आपके बुढ़ापे में हो, किसी तरह का भी दर्द आपके शरीर के अंदर में हो, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से हमेशा हमेशा के लिए काफू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से आइटम आपको लेने हैं, किस तरह से आपको नुस्खा तैयार करना है। बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका है जो मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ। आप इसको बना लें, बना के इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह परेशानी आपकी बहुत जल्द दूर होती हुई दिखाई देगी। चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से आपको नुस्खा तैयार करना है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत जल्दी से आप लाइक कर दें। और भाई, न्यू ऑडियंस आते हैं चैनल को, ज़रूर ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लिया करें भाई। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को बहुत ही सुकून हासिल होता है। और छोटी सी प्यारी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें कि हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सा आइटम लेकर के आपको नुस्खा तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है बिस्फाइज। ये बिस्फाइज क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये होती है बिस्फाइज, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये आप देख लें, ये बिस्फाइज है, ये आपको पंसारी के यहां मिल जाएगी। ये आपको 50 ग्राम लेनी है। और दूसरी चीज आपको कौन सी लेनी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी चीज आपको लेनी है साग कूफी। ये आपको मैं दिखाता हूं साग कूफी कैसी होती है। आप इसको बगौर देख लें और अच्छे से इसकी पहचान कर लें ताकि पंसारी के यहां से आप बआसानी खरीद सके। ये होती है, ये होती है साग कूफी, इसकी आप पहचान कर लें। और एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जो आखिरी चीज है। ये तीन आइटम आपको पूरे करने हैं। तीसरा आइटम ये है तुखमे कटा। तुखमे कटा यानी अलसी के बीज, ये भी आपको लेने हैं, इनकी आप पहचान कर लें। पंसारी के यहां बआसानी आपको मिल जाएंगे तुखमे कटा के नाम से। ये अलसी के बीज है। ये तीनों आइटम आपको 50-50 ग्राम लेकर के आपने इनका पाउडर तैयार करना है। बारीक बारीक पीस लें, वो पीसने के बाद में आप कपड़ छन कर लें। यह आपका तैयार हो चुका है फार्मूला। फिर आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है वही सारी बातें कर ली जाए। तो फिर इस पाउडर को आपने आधी चम्मच, मतलब 3-4 ग्राम सुबह शाम, नाश्ता करने से सुबह को 1 घंटा पहले, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अगर आपने इसका इस्तेमाल केवल 1 हफ्ता किया तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फील हो जाएगा कि दर्दों की तकालीफ में आपको राहत मिल रही है। मुकम्मल तौर पर अगर आप चाहते हैं फायदा हासिल करना, अपने दर्दों की शिकायत को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना, तो आप इसका इस्तेमाल
मिनिमम 1.5 से 2 महीने करके मुकम्मल फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, खुशगवार लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और अपने जरूरतमंद हजरात तक, परेशान हालों तक इस वीडियो को इतना फैला दें, इतना शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपने फेसबुक ट्विटर पर इतना शेयर कर दें ताकि जो परेशान हाल व्यक्ति हैं उन सबों का भला मेरे और आपके जरिए हो जाए। तो मेरे और आपके लिए बस यही काफ़ी है, क्योंकि वो लोग जब उनको फ़ायदा होगा, तकालीफ उनकी दूर होंगी, तो मुझे और आपको वो दुआओं से नवाजेंगे। तो मेरा काम और आपका काम दुनिया में भी बन जाएगा और आखिरत में तो अल्लाह के फजल व करम से बन ही जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं उम्दा नुस्खे के साथ, बेहतरीन तजवीज के साथ। आप मेरे साथ बराबर बने रहिएगा, बराबर सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बे इंतहा जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।